उत्तराखंड कैबिनेट की कल हुई बैठक में राज्य सरकार ने 10 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है, जिसमें एमडीडीए में नए पदों को कैबिनेट की मंजूरी दी गई, तो वहीं नए पद के साथ 78 पदों को स्वीकृति मिली है। साथ ही उत्तराखंड निशुल्क बाल शिक्षा अधिकार नियमावली में बदलाव किया गया है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने दी जानकारी। 10 प्रस्तावों पर सरकार की मुहर। उत्तराखंड की सरकार ने आज हुई कैबिनेट बैठक में कई राहतें देते हुए 10 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी है। कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की, जहां इस दौरान सभी मंत्री बैठक में मौजूद रहे। वहीं कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने प्रेस ब्रीफिंग कर जानकारी दी कि 13 प्रस्तावों को लेकर बैठक में चर्चा हुई, जिनमें से 10 को कैबिनेट ने मंजूरी दी, बाकी 3 विधेयकों को खारिज किया गया, जिन्हें अगली बैठक में शामिल किया जाएगा। इस दौरान एमडीडीए में नए पदों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, तो धारा 22 ए में परिवर्तन किया गया। उत्तराखंड निशुल्क बाल शिक्षा अधिकार नियमावली में बदलाव किया गया है। हरिद्वार में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रुड़की को मंजूरी दी गई। अम्ब्रेला एक्ट पर सरकार ने कमेटी बनाई है। वही राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2020 को मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनियम 1995 में संशोधन किया गया। नैनीताल स्थित HMT फैक्ट्री पर फैसला हुआ और निजी खनन के पट्टों को लेकर भी फैसला किया गया। कक्षा 5 और 8 में पूर्व में एक निर्णय लिया गया था, जिसमें कहा था कि किसी भी परिस्थिति में बच्चे को पास करना ही है, ये मान लीजिए। बाद में संशोधन किया भारत सरकार ने, कहा कि ऐसा नहीं है, और राज्य सरकारों को भी संशोधन करने को इस पर कहा गया कि कक्षा 5 और 8 में किसी बच्चे को अगर कोई फेल हो जाता है, उसको 2 महीने का समय देंगे, जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से वो समय दिया जाएगा, फिर उसकी परीक्षा होगी, और उसमें वो पास नहीं होता है तो वो रोक सकता है, रोका जाएगा, ठीक हो गया, हटाया नहीं जाएगा विद्यालय से, स्कूल से। वहीं इस दौरान बैठक में विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च से 6 फरवरी तक गैरसैंण में कराने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। देहरादून से ब्यूरो चीफ पंकज पवार, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।